Good morning everyone and welcome back to the channel from कुंभलगढ़। कल शाम को हम यहाँ पहुँचे थे, बारिश थी काफ़ी शाम को और लेट हो गया तो फोर्ट देख नहीं पाए थे कल। तो आज का प्रोग्राम है कि दिन की शुरुआत करेंगे फोर्ट देखने से और बाकी चीज़ों को आसपास जो हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। मौसम काफ़ी खुला हुआ है और सनराइज़ हो रहा है, अभी सुबह के लगभग 6:30 बजे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है, आप आसपास सुन सकते हैं, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट ही सुनाई दे रही है। अभी नाश्ता जो दिखाया मैंने आपको, हमारा नाश्ता हो गया है और अभी हम चाय पी रहे हैं। ये हमारी चाय आ गई है, साथ में कार्तिक भाई हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ बैठे हैं अबरार भाई, हम तीनों चाय पी रहे हैं और उसके बाद फिर निकल जाएंगे एक्सप्लोर करने फोर्ट को। सब रेडी हो गया, देखिए सारा सामान वगैरह सब बाइक पे लगा चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं होटल से कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए और तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से फोर्ट। वहाँ पे हमें कुछ समय लगेगा, वहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल जाएंगे एक जैन टेम्पल की तरफ और उसके बाद हम चलेंगे जोधपुर। शाम तक जोधपुर पहुँच पाएंगे। होटल अच्छा ही था और अभी जो इनका था ब्रेकफास्ट वो कॉम्प्लीमेंट्री था। अभी पहुंच गए हम कुंभलगढ़ फोर्ट, 2 किलोमीटर की राइड थी सिर्फ वो। और ये देखिए फोर्ट की ऊंची ऊंची दीवारें जो बहुत ही मज़बूत दिख रही हैं। और ये फोर्ट जो है ग्रेट वॉल ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसके बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है इसकी, 38 किलोमीटर्स के अराउंड इसकी दीवार है। तो अभी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस फोर्ट को। ये टिकट काउंटर इसका, इसकी एंट्रेंस है, ये यहाँ का मैप है। तो ये जो वॉल देख रहे हैं आप, इसके अंदर पूरा फोर्ट बना है। ये 1443 से 1458 के बीच में कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसका बिल्ड किया गया। और इसके पहले जैन प्रिंस थे एक संप्रति 2nd BC में, तो उनका यहाँ पे जो ऑलरेडी रुइंस था उस पर बनाया है इसको। वो था भैरव पोल, अलग अलग गेट हैं यहाँ पे, या फिर समझिए वो सिक्योरिटी के हिसाब से, क्लाइम करने के हिसाब से बना हुआ है। ये इसका 2nd गेट आ गया। 5-6 मिनट वॉक करके ऊपर आए और ये देखिए और कितना ऊपर फोर्ट आपको दिख रहा होगा। ये ऊंचाई इसकी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। इसके अंदर बहुत तरह के टेंपल हैं, जैन टेंपल हैं और गणेश टेंपल हैं, बहुत तरह के। अगर आपको घूमना है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आप समय निकाल के आइए।
लेकिन ये बहुत ही कमाल का कंस्ट्रक्शन है। हाँ देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वॉल, और टाइमिंग इसका सुबह 9 से लेके शाम के 5 बजे तक का समय। ये इसका चौथा दरवाज़ा है जिसका नाम है पागड़ा पोल। ये सारे कमरे हैं, आइए देखें इन कमरों के अंदर क्या है। उस समय का शायद ये हो सकता है ये ऑफिस हो या कोई बैठने की जगह तो नहीं लग रही है, पब्लिक इंटरेक्शन के लिए कुछ बना हो। यहाँ पे शायद पानी का कुछ रिसोर्सेज वगैरह था, या फिर एग्जैक्टली क्या होता था पता नहीं। कुंभा पैलेस अंदर मंदिर है, जूते निकाल के आप जा सकते हैं अंदर। जैसे दीवारें इसकी जो है अब कहीं कहीं से ढह रही है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग की हुई है। बहुत आवाज़ गूंज रही है, बिल्कुल खाली है अभी तो, कुछ भी नहीं है यहाँ, सारे कमरे एक तरह के दिख रहे हैं। ये है इसका हाईएस्ट पॉइंट, टॉप ऑफ द फोर्ट, काफ़ी ऊंचाई पर है। व्यू तो कमाल का है यहाँ से, हवा भी ठंडी है, इवन दो यहाँ गर्मी बहुत है लेकिन यहाँ आके हवा ठंडी है। इसको हम बर्बाद कर रहे हैं कि सब यहाँ आते हैं टूरिस्ट और नाम वगैरह लिख के जा रहे हैं, ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारी हमारा मॉन्यूमेंट है, इसको बहुत ही सहेज के रखना है। ये मेरी गुजारिश है, ये अनुरोध है, ये आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है। इसमें टोटल 360 टेंपल्स हैं, जिसमें 300 तो जैन टेंपल्स हैं और 60 जो हैं वो अदर टेंपल्स जैसे गणेश जी हैं, शंकर जी हैं ऐसे। तो आई होप कि मैंने आपको इस किले के बारे में जो बता सकता था मैं बिना गाइड के बताने की कोशिश की है। इसमें महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और जितने भी ऐसे बड़े बड़े वॉरियर्स थे, सब सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, सब ने यहाँ पे रूल किया है। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, अब इस फोर्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। अब हम निकल रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट से। अब ब्रार भाई के कुछ चाहने वाले यहाँ पर जमा हो गए थे, बीच बीच में मिलते हैं, अभी भी उनके साथ बात कर रहे हैं। एक ये जो जीप देख रहे हैं सफाई ले जाते हैं सब। कितना चार्ज है सफारी का? सफारी का कितना चार्ज है? 1500 एक आदमी का या एक जीप का? पूरे जीप का तो कितने लोग मैक्सिमम अलाउड हैं इसमें? 7-8। तो कितना दूर है यहाँ से, कितना टाइम लगता है यहाँ से जाने में? अच्छा घूमने में, ओके। एक वीक 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 एक निकल जाओगे? हाँ एक मिनट एक मिनट। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं रनकपुर, जहाँ पे वो फेमस जैन टेंपल है, उसको तो एक्सप्लोर करेंगे।
फिर आगे निकल जाएंगे जोधपुर की तरफ। थोड़ा सा स्केड्यूल जो है उससे हम पीछे चल रहे हैं, अभी तक हमें एक्चुअली जोधपुर के लिए निकल जाना थी ताकि सनसेट के समय हम पहुंच सकें वहाँ, या सनसेट के पहले। यहाँ से हम जो होटल हमारा लेफ्ट में था, सामान और फिर फल वगैरह सब यहाँ बिक रहे। खतरनाक है, स्पीड में अगर आते हैं तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है गाड़ी, इसलिए सब थोड़ा ध्यान से। अच्छी खासी ग्रीनरी है, ये एक और गाँव आ गया, ऐसे गाँव है रास्ते में। खतरनाक है, देखने में तो बहुत खूबसूरत है लेकिन इतना ही रिस्की भी है। बहुत ही स्टीप स्लोप है, इसे पिच रोड को देखिए, अभी जो बिल्कुल प्योर पिच था उसको उन्होंने हटा दिया। मेरे ख्याल से बारिश की वजह से यह सड़क टूट गई। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। He is coming. He stopped. He was talking to someone. अलग ही मज़ा आ रहा है बिलाल भाई के साथ राइड करने का, वो अपनी रंगीली पे आगे आगे चल रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं रानकपुर और यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। जो आपने देखा ये सूर्य नारायण मंदिर, रानकपुर जैन तीर्थ, ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ का। और जो हम अभी रास्ते में आए हैं यही है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखिए इसकी एंट्री है, त्रैलोक्य दीपक श्री रानकपुर तीर्थ, और यहाँ पे एंट्री है, रजिस्टर कराना पड़ता है गाड़ी को। जो डिटेल्स है, लॉकर्स, विजिटर्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियो गाइड सब कुछ है,
लोकल पार्किंग, भोजनशाला, कैंटीन, जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके लिए बहुत बड़ा तीर्थ है ये। हमें गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे घूम सकते हैं। मेन टेंपल पार्श्वनाथ जिनालय, नेमिनाथ जिनालय। अभी हम पहुंच गए हैं रानकपुर के जैन तीर्थ में और यहाँ पे काफ़ी मंदिर हैं। जैन तीर्थ और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, एक धार्मिक स्थल है। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का मुख्य मंदिर है, जो मेन टेंपल है वो है। और काफ़ी मंदिर हैं यहाँ पे, तो मैं फ़िलहाल इस मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ अंदर। और यहाँ पे चार्जेस हैं, अगर आप फ़ोन ले जाना चाहते हैं तो उसका अलग चार्ज है, अगर वीडियोग्राफी करने के लिए आपके पास कैमरा दूसरा है, अगर DSLR वगैरह तो उसका अलग चार्ज है। टिकट काउंटर है, ऑडियो अवेलेबल है यहाँ पे, तो सब कुछ आप पीछे देख रहे हैं ये काउंटर है। तो चलिए अंदर। काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, पूरे में संगमरमर का काम है, मार्बल का है और बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इसको। ये मुख्य मंदिर है अंदर, जहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये जो मंदिर है ये टॉप 5 जो जैन टेंपल्स हैं, जैन के जो तीर्थ स्थान हैं इंडिया में, उसमें ये टॉप 5 में एक मंदिर है जो काफ़ी महत्व रखता है जैन धर्म के अनुयायियों के लिए। और इसमें काफ़ी कार्विंग है, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से। काफ़ी हॉल्स हैं इसमें जो एकदम अलग अलग तरीके से, सब में अलग अलग चीज़ें दर्शाई गई हैं, जो भगवान हैं उनकी मुद्राएँ हैं अलग अलग, तो बहुत ही अच्छा है, आप आकर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर, इस प्रीमाइसिस के अंदर 7 मंदिर हैं टोटल, और जिसमें से मैं निकल के आया हूँ, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मेन टेंपल है यहाँ का, और जो करीब 600 साल पुराना है, तो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब बना है। अभी दोपहर के 3:30 बज गए और अब हम निकल रहे हैं रानकपुर जैन तीर्थ से। काफ़ी यहाँ भी समय लग गया और अब यहाँ से सीधा हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है
जोधपुर। काफ़ी मज़ा आया ये जो पूरा रेंज हमने अभी कवर किया है, पूरी पहाड़ी। और तो मैं बता रहा था कि ये जो पूरा सेक्शन हमने अभी तक कवर किया है कुंभलगढ़ फोर्ट से यहाँ तक का, पूरा पहाड़ी इलाका राइड करने का मज़ा अलग था। मेरे ख्याल से शायद वैसा ही फिर से शुरू हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है मुझे कि फिर से हम उसी तरह के रेंज को कवर करेंगे। वन्य जीवन अभयारण्य, ये पूरा इलाका कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही है। अब कहीं रुक के हम लंच करेंगे, उसके बाद सफ़र कंटिन्यू करेंगे जोधपुर के लिए। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ से सीधा जोधपुर, लगभग 150 किलोमीटर। और जो सफ़र है गूगल मैप ने बता रहा है 2 घंटे 50 मिनट। गांव या कस्बे से एरिया आता है, पानी में देखिए क्या खूबसूरत महल के तरह कंस्ट्रक्शन। जोधपुर, हाँ ये हमें इतने से जाना है, ये हाईवे पे ले जाएगी सर। साइकिल रुके हम, होटल मिल गया है ताकि पार्किंग अच्छे से कर सके। अब होटल की तरफ जा रहे हैं, वो यहाँ के ओल्ड टाउन में है वो। अभी काफ़ी ट्रैफिक था, पीछे उसमें फंस गए थे, मेरा GoPro एक्चुअली ऑफ हो गया था तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हम लोग अटक गए थे। शहर तो काफ़ी अच्छा है, जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है। हमें जब तक पार्किंग नहीं मिलेगी बाइक की सेफ, तब तक हम रुक नहीं पाते कहीं भी। कभी कम तो जोधपुर मैं आपका भी स्वागत करता हूँ यहाँ, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। तो बोलते हैं ब्लू सिटी, ये स्टेशन आ गया यहाँ का, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोधपुर, जोधपुर स्टेशन। जनरली हर स्टेशन के आसपास आपको रुकने के लिए गेस्ट हाउस और खाने के लिए हज़ारों होटल छोटे छोटे वो सब यहाँ पे हैं। और ये है गजानंद जी, ये गेट है, शायद ये गेट ही है। काफ़ी रौनक है शहर में, चहल पहल तो है। अच्छी अच्छी वाइब, जैसे जो बाकी सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, इस तरह का ही सब कुछ है यहाँ पर। इंडिया के हर सिटी की जैसे आप देखते हैं सड़क पे नो हॉकर्स जोन में हॉकर्स होंगे, जहाँ जो अलाउड नहीं है वहीं पे वो चीज़ ज़रूर हो रही होगी। तो सेम यहाँ भी है।
काफ़ी कड़गा पीती है, तो मेरे ख्याल से एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। ये है सामने मार्केट, सरदार मार्केट, शिरडी फोर्ट, यहीं से हमें जाना है शायद। हेरिटेज वॉक, सामने देखिए क्लॉक टावर है, क्या खूबसूरत दिख रहे हैं, लाइटिंग की वजह से और भी खूबसूरत दिख रहा है। कल दिन में इसको देखेंगे। ये है देखिए सामने जोधपुर पैलेस गेस्ट हाउस, यहाँ तो जगह ही नहीं है पार्किंग की। ये डबल बेड है और एसी भी है इसमें, रूम ठीक ठाक है, बढ़िया है, साफ़ सुथरा है। और कार्तिकेय भाई हैं हमारे साथ, रूम शेयर करेंगे हम। वणकम, टीवी वगैरह सब है, वी हैव गॉट नाइस क्लीन बाथरूम, गीज़र वगैरह सब लगा है। अभी रूम में चेक इन करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होके बैठ गए हैं अभी सब लोग और खाने का ऑर्डर किया है। ये है इनका रूफ टॉप रेस्टोरेंट, सामने जो आप देख रहे हैं वो है मेहरानगढ़ फोर्ट। हमारे सामने खाना आ गया है आज, और साथ में बैठे हैं कार्तिकेय भाई और विराज भाई बैठे हैं साथ में, और काफ़ी दिनों बाद आज नॉन वेज है खाने में। जनरली मैं राइड करता हूँ तो वेज ही खाता हूँ, लेकिन आज नॉन वेज भी है। तो अभी खाना शुरू करते हैं, और विराज भाई आपने टेस्ट किया कैसा है? आई थिंक वेज जो है ना वो ज़्यादा टेस्टी है। ओके, नॉन वेज ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा जी, लेकिन अच्छा है। चलिए बढ़िया, अबरार भाई का तो रिव्यू आ गया, तो मैं भी खाना शुरू करता हूँ अब, और इसके साथ ही आज का व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अभी जुड़े नहीं हैं फैमिली से तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर।